एक बात बता दो तीन बटन बनाने के तेरे कोई क्यों पैसे देगा इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है कोडर्स और डेवलपर्स को तुझे फालतू का इसको उठाना क्यों है बट मुझे पता है क्या करना है क्या फ्रीलांस नहीं मैं सोच रहा हूं एक वेबसाइट बनाऊं अपनी खुद की कौन सा बनाइज <laughs> कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या मैंने कोई अरे कहां से आ जाती है ये डिजाइनिंग डिजाइनिंग करने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है बट एक चीज है जो हमेशा काम आती है और वो है आपकी इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर सीखी है मैं हूं अंश मेहरा एक यूएक्स डिजाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम जड कॉम जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफी ज्यादा नए यूएक्स डिजाइनर्स ने इग्नोर करी है आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं तो फिर वेट किस बात का चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं तो आज का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आज हम समझेंगे कि जब भी कोई नया यूएक्स प्रोजेक्ट मिलता है या कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलता है या अगर आप अपनी कंपनी में एक लौते डिजाइनर हो आपने कोई स्टार्टअप ज्वाइन करा है या कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है किसी भी कंपोनेंट को बनाने से पहले किसी भी विजुअल डिजाइन को बनाने से पहले जो सबसे बेसिक स्टेप होता है एक सिस्टम में वो होता है कि आप अपने कलर्स डिसाइड करो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं कि इसी से शुरू करना है बट मेरे हिसाब से अगर एक सिस्टम बनाना है तो पहले कलर्स टाइपोग्राफी आइकन्स शेडोज ये सब चीज़ें अगर आप फिक्स कर लो तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है तो इस सेशन में हम ये डिसाइड करेंगे कि कलर्स कैसे चूज़ किए जाते हैं जब आप बिल्कुल अपना यूएक्स प्रोजेक्ट शुरू करते हो नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपने अभी तक के पहले चार एपिसोड्स पूरे देख लिए हैं उन चार एपिसोड्स में मैंने जितनी भी बातें बोली थी जितनी भी प्ले मेंशन करी थी वो सब आपने देखी है समझी है डॉक्यूमेंट करा है एंड अब आपने अगर गेटिंग स्टार्टेड और न्यू फीचर्स की फिग्मा प्ले देख ली है तो अब आप फिग्मा की ऑफिस आवर्स प्ले देखना शुरू करो एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग हर एक वीडियो का एक नोशन में एक पेज बनाओ एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग कि आपने उसमें क्या क्या सीखा है और अगर नहीं भी देखी है इससे पहले आपने मेरा कोई एपिसोड नहीं देखा इट्स कंप्लीटली ऑल इस वीडियो के बाद देख लेना क्योंकि सुपर सुपर मैं आपको बता रहा हूं आधे घंटे में ऐसे कुछ भी नहीं दिमाग और शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हो जब भी कलर्स की बात आती है मेरे हिसाब से अगर एक बहुत ही बेसिक बेसिक फंडामेंटल कलर सिस्टम बनाना है तो आपके सारे कलर्स तीन बकेट्स में डिवाइड किए जाते हैं पहला होता है ब्रांड कलर्स ये ऐसे कलर्स होते हैं जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं नाउ एज अ यू एक्स डिज़ाइनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये ब्रांड कलर्स क्या हो के इन मोस्ट केसेस हर कंपनी में हर स्टार्टअप में कोई ना कोई ऐसा मार्केटिंग डिजाइनर होता है कोई ना कोई ऐसा ब्रांड पैलेट होता है तो जो ये ब्रांड कलर्स होते हैं आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरी एप्लीकेशन में अगर कोई बहुत प्रोमनेंट एरिया है कोई कॉल टू एक्शन है कुछ भी है तो वहां पे मैं इस ब्रांड कलर को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकता हूं तो ब्रांड कलर्स में भी आपके पास एक ब्रांड प्राइमरी कलर होता है और एक एक्सेंट कलर होता है जिसको लोग सेकेंडरी कलर भी बोलते हैं जो आपका प्राइमरी ब्रांड कलर होता है वो आपका अगर मैं एक लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बनाऊँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि चलो ये लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स मेरी ब्रांडिंग दिखाएंगे तो उस पूरी लिस्ट में 60 टू 70 परसेंट कंपोनेंट्स मेरे प्राइमरी ब्रांड कलर के होंगे और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैं शायद अपने सेकेंडरी यानी एक्सेंट ब्रांड कलर में डाल सकता हूं तो हो सकता है आपका मेन ब्रांड जो प्राइमरी कलर है वो रेड है बट एक्सेंट कलर ब्राइट येलो है कुछ भी हो सकता है इट कुड बी वाइट एज वेल तो ब्रांड कलर्स आपने साइड पर रख दिए ये आपके पास पहले से होने चाहिए मोस्ट केसेस में ये डेक्लरेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर आते हैं आपकी न्यूट्रल्स जो बेसिकली ग्रेज होते हैं हर एप्लीकेशन में सरफेस होता है जो आपकी मेन स्क्रीन है और उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट हो सकता है इमेजेस हो सकती है अगर मैं इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक डाउन करूँ तो लेट कर लो कि आपका जो कैनवस है जो आपका पूरा मोबाइल यू है अभी हम वेब पे नहीं जा रहे अगर मोबाइल का मेरा एक स्क्रीन है अगर उस स्क्रीन पर कुछ नहीं है तो मुझे एक बैकग्राउंड दिख रहा है लेट कर लो ये एक डार्क थीम की एप्लीकेशन है तो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट मेरा पिच ब्लैक होगा उस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर हो सकता है मैंने कार्ड रखा हुआ वो कार्ड मोस्ट प्रॉब्लम मैं ग्रे कलर का रखूंगा क्योंकि अगर आपने मटेरियल डिजाइन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डार्क थीम में एक अज्यूम्ड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है तो अगर कोई सरफेस बैकग्राउंड के ऊपर होता है तो वो टुवर्ड्स लाइट जाता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी लाइट थीम ऐप में कि बैकग्राउंड ग्रे हो और उसके ऊपर जो कार्ड रखा वो हो वो ब्लैक हो बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस तो जो कार्ड है वो एक सरफेस है बैकग्राउंड के ऊपर अब उस सरफेस के ऊपर हो सकता है टेक्स्ट हो इमेज हो कुछ भी हो तो जो न्यूट्रल्स होते हैं वो इन सर्फेस और बैकग्राउंड में काम आते हैं इसके बाद जो आपके जब ग्रेज कंप्लीट हो जाए जो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन में काफी ग्रेज होते हैं आप चाहे फिग्मा देख लो चाहे गूगल क्रोम देख लो चाहे अपने खुद के फोन की सेटिंग्स देख लो ग्रेज बहुत होते हैं बट फिर थर्ड बकेट होती है सिमेंटिक्स की जहां पर वी वो टॉक अबाउट कलर्स फॉर सक्सेस या वार्निंग या एरर अब इसमें क्या होता है ये न्यूट्रल्स भी हटा लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी अभी रियलाइज करी कि न्यूट्रल्स यूजुअली ब्लैक से शुरू होते हैं और वाइट तक जाते हैं हमेशा ये स्पेक्ट्रम के दो एंड जरूर होते हैं और उसके बीच में आप शेड्स डिक्लेयर करते हो डोंट वरी अभी अगले पाँच दस मिनट में वी विल डिक्लेयर ऑल दीज थिंग्स तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा सिमेंटिक्स के अंदर तीन कलर्स तो पक्का ही चाहिए होते हैं पहला इज अ शेड ऑफ रेड विच वुड बी यूज आपके एरर के लिए वार्निंग के लिए डेंजर के लिए फिर अ शेड ऑफ ग्रीन फॉर यू नो सक्सेस कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऐसे प्रॉम्प्ट्स के लिए और फिर येलोस, फॉर वार्निंग या कॉशन बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि कलर्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं क्योंकि इससे पहले कि हम फिगमा के अंदर डीपली जाए और समझे कि हम डिसीजनस क्यों लेते हैं लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर कलर्स को पढ़ता कैसे है थोड़ा सा टेक्निकल है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है मैं बहुत आपको आराम से समझाऊंगा और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट इट अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एवरी कलर स्टाइल कलर स्टाइल मतलब कि जो आप फिग्मा में एक स्टाइल डिक्लेयर करते हो जो आप अपने सिस्टम के अंदर एक कलर डिक्लेयर करते हो उसको मैं कलर स्टाइल बोलूँगा एक और कन्वेंशन ये होती है लोग बोलते हैं कि जो मेरे सारे कलर्स है वो एक साथ एक कलर पैलेट बनाएंगे और अगर उस पूरी कलर पैलेट में से मैं कोई एक कलर को पिक करके साइड पे रखूं तो वो एक इंडिविजुअल कलर हो कि मेरी स्वॉच तो अभी आपके सामने एक स्वॉच है इस स्वॉच के चार कंपोनेंट्स हैं पहला एक हेक्स कोड अगर मैं इसको कलर को, को देखूं, अगर मेरे को कंप्यूटर की भाषा में समझना हो तो हर कलर का एक हेक्स कोड होता है अब हेक्स कोड में तो नॉर्मल लोग बात कर नहीं सकते एक कलर का एक नॉर्मल नाम भी होता है इस केस में इस हेक्स कोड का नाम है फ्यूशिया ब्लू अब ये नाम आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा बट अपार्ट फ्रॉम आर जी बी एक और कन्वेंशन है जो बहुत पॉपुलर है विच इज देशन लूम कन्वेंशन जो ए है इसका मतलब होता है एल्फा एल्फा मतलब ओपेसिटी 50% परसेंट एल्फा मतलब 50% परसेंट 0% जीरो परसेंट एल्फा मतलब गायब हो गई पूरी पूरी चीज फिर कोने में आपको दिख रहा होगा एक चीज है डार्क थीम टोकन तो हम एक अज्यूम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जब से पहला एपिसोड हुआ है एक एक रैंडम फिक्शनल प्रोजेक्ट है कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं और लोग एक ऑन डिमांड एक्सेस हो फॉर ऑल दोस कोर्सेस तो वो एक डार्क थीम की एप्लीकेशन है तो मैंने एक पहले कोड डिक्लेयर करा जो कि ये जीरो डी एफ एफ फोर टू है उस हेक्स कोड को मैंने इंग्लिश में एक नाम दिया बट ये जो इंग्लिश का नाम है ये जो फ्यूशिया ब्लू है ये किसी भी एप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है इस केस में मेरी एप्लीकेशन में मैंने लोगों को बोला कि यह जो फ्यूशिया ब्लू है इट इज ब्रांड प्राइमरी इस केस में मैंने उसको एक टोकन दे दिया है एक कन्वेंशन दे दिया है। हो सकता है फ्यूशिया ब्लू किसी और एप्लीकेशन में सर्फेस कलर हो यू you नो know, कोई रैंडम टेक्स्ट कलर हो हेडिंग का कलर हो कुछ भी हो सकता है बट मेरे इस यूनिवर्स में जो थर्ड लेवल ऑफ डेक्लरेशन है वो है कि लोकली ये कलर का डिजाइन टोकन क्या है अब क्लासरूम वाइब ऑन करते हैं मैं फटाफट अपने आईपैड पे आता हूँ और आपको मैं उस पर समझाऊंगा कि आर का मतलब क्या होता है एक्चुअली में आर से हम कैसे चीज़ें आसान कर सकते हैं एच क्या होता है और एच के कॉन्सेप्ट को समझ के हम अपने ग्रेज़ अपने न्यूट्रल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो देर अ लॉट टू लर्न एंड अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो आई वॉन्ट कि जैसे ये सेशन खत्म हो आप खुद भी थोड़ा इस पर रिसर्च करना चाहे मीडियम पे जाना चाहे यूट्यूब पे जाना कहीं भी जाना इनफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे बट कम से कम आज मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का आरजीबी और एच एस एल का जो मेन जो सार है जो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है तो चलो अब आईपैड पर स्विच करते हैं ऑल राइट सो शुरू करते हैं कलर्स के बारे में डिस्कशन तो हमने ये बोला कि भाई हर कलर कंप्यूटर दो तरीक़ों से पढ़ सकता है वैसे तो बहुत तरीक़ों से पढ़ सकता है बट आज हम बात करेंगे आर की और एच की अगर आप ध्यान से देखो कंप्यूटर्स की बात साइट पे रख दो इट इज़ वेल सेड एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू दैट आई थिंक इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंप्रेशन एल्गोरिथम हमारी आँखों में है क्योंकि हमारी आँखें इतने सारे विजुअल्स और कलर्स देखती है और एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड उन सारे विजुअल्स को कंप्रेस करके सिग्नल्स के तौर पर हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है लाइक आई नो मेरी थोड़ी हिंदी वहाँ मैसअप हो गई बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट आर आइज़ आर डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब एंड कंप्यूटर्स का भी अपना एक तरीका है जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कलर्स वर्क तो अगर मैं आर की बात करूँ तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर जी बी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू अगर ये आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है तो ये लैपटॉप की स्क्रीन पिक्सल्स से बनी हुई है एल ई डी छोटे छोटे एल ई डी के पैनल्स होते हैं यहाँ पर ऐसे अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन करूँ तो एक चेक बॉक्स बनता हुआ दिखेगा आपको अगर आप किसी पिक्चर को बहुत जूम इन करते हो तो भी आपको बक्से दिखते हैं अगर मैं ये एक बॉक्स को निकालूँ ये एक बॉक्स है इस बॉक्स को अगर मैं निकालूं, तो इस बॉक्स के अंदर भी तीन छोटे छोटे एल टाइप डायोड्स बोलो या कुछ भी लाइट टाइप आप समझो कि एक कंपोनेंट है जो लाइट फेंकता है ये कंपोनेंट सिर्फ रेड लाइट फेंकता है बीच वाला कंपोनेंट सिर्फ ग्रीन लाइट फेंकता है और लास्ट वाला कंपोनेंट सिर्फ ब्लू लाइट फेंकता है तो जब मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक इमेज दिखाओ कंप्यूटर कैलकुलेट करता है और फिर इधर अपनी लाइट्स को चेंज करता है इस हिसाब से वो सिग्नल बेचता है और उसी हिसाब से आर का, का पूरा का पूरा कलर बनता है एच की जब बात आती है तो एच एस एल स्टैंड फॉर एंड लूमिनन्स अभी मैं आपको फिगमा में भी दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखता है इसका क्या यूज केस है एक डिस्क विजुलाइज करो और उस डिस्क में बीच में मैंने ये सेंटर बनाया और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करी सरकम तक इसको मैंने मान लिया जीरो डिग्रीज इस पूरी डिस्क में ना कलर्स है मतलब जैसे जैसे मैं जीरो डिग्री से दस डिग्री जाऊँगा तीस डिग्री जाऊँगा घूमते 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 मैं वन एटी डिग्रीज पर आऊँगा मेरी कलर की वैल्यू चेंज होती रहेगी ये जो डिस्क है ये जो ह्यू डिस्क है जैसे जैसे मैं इस डिस्क के गोल घूमूंगा इसके सर्कम फ्रेंड्स के राउंड घूमूंगा वैसे वैसे मेरा ह्यू चेंज होगा अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरो पे आपको मिलता है रेड और अगर मैं पूरा ये गोल चक्कर काट के वापस आ जाऊँ तो 360 सिक्सटी डिग्रीज पे भी मुझे मिलता है रेड बहुत सिंपल सी बात है फिग्मा में एक ऐसा दिखता है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका ह्यू आ गया सेकेंड चीज़ है आपकी सैचुरेशन विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ह्यू मतलब कि अगर आपने रेड यूज़ किया है तो वो कितना ब्राइट रेड है तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर मैं रेड मानता हूँ अगर ये रेड बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो यू नो हंड्रेड परसेंट सैचुरेशन में मुझे बहुत ही ब्राइट रेड दिखेगा बट अगर मैं सैचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, ये सैचुरेशन है अगर मैं सैचुरेशन बिल्कुल जीरो कर दूँ तो वो तो रेड रहेगा ही नहीं तो एक्चुअली में वो ग्रे बन जाएगा जो ल्यूमिनेंस होती है वो होता है द मेजर ऑफ ब्राइटनेस कि ये कलर कितना ब्राइट है तो अगर इस रेड की ल्यूमिनेंस में बिल्कुल मैक्सिमम ले जाओ तो ये वाइट बन जाएगा और अगर मैं रेड की लूमिनन्स को बिल्कुल घटा दो तो वो ब्लैक बन जाएगा ये मेन तीन कंपोनेंट्स हैं एच एस एल अब लेट्स अंडरस्टैंड कि जब मैं कोई आर जी बी का कलर समझता हूँ जैसे ये आर जी बी का कलर कुछ ऐसा दिखता है वन टू ए बी फोर ए कुछ भी मैंने कलर लिख दिया ये टोटल एक सिक्स कैरेक्टर वैल्यू है ये बड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे और आसान हो जाए इसके जो पहले दो कंपोनेंट्स है वो होते हैं मेरे रेड कंपोनेंट्स जो बाकी दो है ये है ग्रीन और ये जो फोर ए है ये है मेरा ब्लू कंपोनेंट ये जो वन टू है इसको ट्वेल्व मत समझ लेना एक्चुअली में ये वन है और टू है ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट इंडिविजुअली की जा रही है तो आप बोलोगे ए और बी से आ गया क्योंकि आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर का स्पेस है आप एक एल आप उसमें दो कैरेक्टर्स तक डाल सकते हो यहाँ पे एक नई नोटेशन आती है जिसको कहते हैं हेक्सा डेसिमल नोटेशन हेक्सा डेसिमल ये बोलता है कि आप ज़ीरो से लेके गिनती करते रहो और नाइन तक पहुँच जाओ बट जब आप नाइन के बाद पहुँचते हो अगर आप टेन लिखना चाहते हो तो आपको दो कैरेक्टर्स का स्पेस चाहिए वो अवेलेबल है नहीं तो हमने क्या किया अल्फाबेट्स शुरू कर दिए और ये बोल दिया कि ये जो ए है ये एक्चुअली में टेन है बी मेरा एलेवन है ये ट्वेल्व है ये थर्टीन है ये फोटीन है और ये फिफ्टीन है तो आपके पास इन टोटल 16 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई है आपको लग रहा होगा 16 तो बहुत कम है बट अगर आप ध्यान से देखो अगर ये मेरा छः कैरेक्टर्स का पूरा का पूरा हेक्स कोड है तो यहाँ पे 16, 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 16 काफ़ी कॉम्बिनेशन है काफ़ी सारे कलर्स बन सकते हैं तो अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ और ध्यान से कलर को पढ़ूं कोई भी कलर चूज करते हैं 4A 12 42 तो मैं बिना कलर को देखे सिर्फ हेक्स कोड देख के बता सकता हूं कि इसका शेड कैसा होगा क्यों मुझे दिख रहा है कि इसका रेड कंपोनेंट 4A है मतलब यहां पर रेड की जो एलईडी है उसमें एक 4 वैल्यू जा रही है और एक 10 वैल्यू जा रही है जो ग्रीन की है वो तो बहुत ही कम है वन और टू और जो ब्लू की है वो है फोर एंड टू तो जो विजेता है वो है मेरा रेड तो जो इसका शेड होगा कोड का वो कंप्लीटली रेड होगा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने ग्रेज कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं ग्रेज जिनको हम न्यूट्रल कहते हैं अब मैंने ये बताया था कि जब आप अपने ग्रेज़ इस्टेब्लिश कर रहे हो आपने कि, कितने भी ग्रेज़ इस्टेब्लिश कर रहे हो दो ऐसे कलर्स हैं जो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पैलेट में होने ही होने चाहिए और वो है ब्लैक और वाइट जो ब्लैक कलर होता है उसको हम बोलते हैं ज़ीरो 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 जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन बंद होती है और सारे एलईडी के डायोड्स बंद होते हैं ना रेड ऑन होता है ना ग्रीन ऑन होता है ना ब्लू ऑन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक ही दिखता है तो अगर आपको ब्लैक कलर दिखाना है तो आपको सारी वैल्यूज़ लीस्ट करनी पड़ेगी तभी आपको ब्लैक दिखेगा ऑन दी अदर हैंड जब मैं वाइट की बात करता हूँ अगर आपने न्यूटन का जो डिस्क एक्सपेरिमेंट है वो देखा हो तो उसमें एक डिस्क होती है उसमें सारे कलर्स होते हैं और जब मैं उस डिस्क को बहुत फास्ट स्पीड पर घुमाता हूँ तो मुझे ब्लैक सॉरी प्योर व्हाइट दिखने लग जाती है मुझे कलर दिखते ही नहीं जो लाइट भी है जो आपको यूज दिखती है it is actually made up of multiple तो जो वाइट कलर होता है वो एक्चुअली रेड ग्रीन और ब्लू सबकी वैल्यूज को मैक्सिम करके दिखता है अब मैक्मम वैल्यू क्या थी वो जो सोलह कैरेक्टर्स थे एफ थी एट द वेरी एंड तो इसको भी एफ एफ कर दिया इसको भी एफ एफ कर दिया इसको भी एस कर दिया आपका रिजल्ट बना वाइट फिग्मा में एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है चलो मैं आपको एक और चीज समझा दू उसके बाद में आपको बताऊंगा अगर आपको अपने ग्रेज डिसाइड करने हैं तो सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए हेक्स कोड देखते ही आपको पता चल जाएगा ये प्योर ग्रे है कि नहीं अगर तीनों आरजीबी कंपोनेंट्स एब्सोल्युटली इक्वल है इट इज अ ग्रे अगर मैं लिखता हूँ वन टू वन टू वन टू और मैं लिखता हूँ फोर वन वन टू वन टू ये ग्रे है ये ग्रे लग रहा होगा बट है नहीं ये टूवर्ड्स रेड थोड़ा ज्यादा है बहुत सिंपल सा कन्वेंशन है इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है जो मैं फिगमा में बहुत यूज करता हूँ कि अगर आप फिगमा के कलर पिकर में सिर्फ वन टू लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली इसको डुप्लीकेट करके वन टू वन टू वन टू वन टू कर देता है अगर आपको फटाफट से कलर ब्लैक चाहिए हो तो सिर्फ जीरो ज़ीरो लिख दो तो वो ज़ीरो ज़ीरो आगे कर देगा इनफैक्ट अगर आप सिर्फ ब्लैक भी लिख दोगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा क्योंकि फिग्मा में X11 इलेवन कलर्स प्री पीरियड है मैंने मीडियम पे अपना एक आर्टिकल डाला है इसके ऊपर तो X11 इलेवन कलर्स के नाम ऑलरेडी होते हैं तो क्विक प्रोटोटाइपिंग में वो कलर्स बहुत काम आते हैं आपको यू नो चूज़ करने की नीड नहीं पड़ती कलर पेकर से बट एनी वे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये है कि एच तो हमें समझ आ गया ये एच एस क्या है तो हमने डिस्कस कर लिया था कि एज़ एल्फ़ा बेसिकली ओपेसिटी होती है जब मैंने आपको वो एक स्वाच दिखाया था तो स्वाच के अंदर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एच एस लिखा हुआ था और कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए थे कुछ इस तरीके से कोड में लिखा होता है ये कुछ नहीं है सिंपल सा एक फंक्शन है फंक्शन के अंदर ये जो चार वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये चार वैल्यूज़ उसके पैरामीटर के अंदर जा रही है ये यू है ये सैचुरेशन है ये ल्यूमिनेंस है और ये अल्फ़ा है ये जीरो मतलब डिग्री हुआ ये सैचुरेशन ज़ीरो से सौ के बीच में जा सकता है ल्यूमिनेंस भी जीरो से सौ के बीच में जा सकती है तो आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एच एस एल आर जी क्या होता है इसका मतलब क्या है अब वापस फिग्मा में चलते हैं और जरा फिग्मा में देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे एक्चुअली में यूज कर सकते हैं चलो वापस आ गए हम फिगमा में आर आपको समझ आ गया हैक्स कोड आपको समझ आ गया बट अगर आपने मेरा पुराना स्वॉच देखा हो तो आपको याद होगा मैंने उसको एक कलर दिया था और मैंने बोला था ये कलर पता कैसे चलेगा तो दो बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज है पहली है चिर डॉट ए जी चिराग इट्स प्रॉबली चिराग बहुत ईजी वेबसाइट है ऑल यू हेफ टू डूर्स आपको बस अपना हेक्स कोड याद डालना है एंड इट वुड जस्ट गिव यू द प्रॉपर कलर तो लेट कर लो मैं फोर ए ए ए वन टू कुछ भी करता हूँ तो इट्स अ कलर कॉल्ड क्रिस्टी सो इट्स जस्ट सेवस यू अ लॉर्ड ऑफ टाइम सिमिलरली कलर नेम डॉट कॉम भी है दोनों वेबसाइट आपको यू नो दे वुड हेल्प अलॉट वेन योर बिल्डिंग ऑर सिस्टम नॉलेस अंडरस्टैंड कि अपने ग्रेज कैसे डिसाइड करने हैं ग्रेस डिसाइड करते हुए ऑफकोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है ऑन द स्पॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट मैं पहले तो बैकग्राउंड का कलर थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ यहाँ चलते हैं और एक रिक्टेंगल बनाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ पिच ब्लैक और एक काम करते हैं मैं कर्सर प्रो ऑन कर देता हूँ जिससे आपको मेरा करसर दिखता रहे और एक और प्लगिन है जो मैं यूज़ करता हूँ की कास्टर उससे आपको मेरी कीज दिखती रहेगी अगर आपने ध्यान से देखा हो अभी मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा या अगर मैं एफ लिख दूँ तो पूरा एफ एफ बन जाता है यही अगर मैं वन टू कर दूँ तो वन टू वन टू वन टू बन जाता है अब लेट कर लो कि मैंने डिसाइड कर लिया मेरे ये पहले और आखिरी कलर्स हैं एंड सिंपली मैंने ये एक पैलेट डुप्लीकेट कर दी और मैं इसको ले गया कुछ इधर तक यहाँ पर गए फिल्म में गए यहाँ पर एक ऑप्शन होती है ये बाय डिफॉल्ट शायद आपके यहाँ आर हो बट अगर आप एच एस एल सेलेक्ट करोगे के एच एस बी भी होता है बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे अभी सी एस एस भी होता है सी एस एस कुछ नहीं है आर जी बी की वैल्यू को अगर आप कोड फॉर्म में देखना चाहते हो जिसमें आर जी बी ए होता है तो सेम जो आपका कलर था जैसे मैंने जो अभी कलर यूज़ करा वो ब्लैक था तो ये उसकी रेड वैल्यू जीरो ग्रीन वैल्यू जीरो ब्लू जीरो और एल्फा वन है इसमें हंड्रेड नहीं है अगर मैं एच में जाता हूँ तो यहाँ पे हंड्रेड यह परसेंट होता है तो अब अगर मैं चाहूँ कि यू नो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मेरे आठ जंप है फ्रॉम ब्लैक आई हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट जम्प्स हैं मेरे पास उसके बाद मैं वाइट पे आ जाता हूँ तो अगर मैं हंड्रेड डिवाइड बाई एट कर दूँ तो अराउंड ट्वेल्व आता है एक कंजर्वेटिव अप्रोच अगर लेके चले अगर मैं सिर्फ ट्वेल्व का भी एडिशन करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ह्यू तो सेम रहे सेचुरेशन भी सेम रहे बट सिर्फ लाइटनेस बढ़े तो यहाँ पर जाके अगर मैं ट्वेल्व लिखता हूँ तो मुझे एक शेड ज़्यादा आगे दिखेगा एक ब्राइटर शेड दिखेगा सेम चीज़ अगर मैं इसको ट्वेल्व इंटू टू कर दूँ मैथ ऑपरेशन तो चलते हैं फिग्मा में यहाँ पर जाके इसको ट्वेल्व इंटू थ्री कर दो यहाँ जाके 12 टेल्व इंटू फोर इधर जाके 12 इंटू फाइव बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि 110 परसेंट आपके सारे कलर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है वरना अगर आप अपने हाथ से मैन्युअली कलर पिक करो के जो बहुत लोग करते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आएगा ही आएगा तो एक मैथमेटिकल लॉजिकल तरीका होना चाहिए टू डू थिंग्स तो ये था आई थिंक 12 into 8 सॉरी मैंने ये क्या कलर यूज किया है दिस इज 12 into 7 ओके okay. तो ये होगा 12 into 8 ठीक है ये आ गया 96 अब आप बोलोगे 96 और एफ uh, के बीच में तो सिर्फ चार का गैप है तो ये अभी मैंने बहुत रैंडमली आपके सामने कैलकुलेट करा बट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको देखना होगा कि हम कितने ग्रेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने इंक्रीमेंट्स डिसाइड कर सकते हो तो हो सकता है कि आप तीन ऐसे बॉक्सेस बनाओ जहां पे इंक्रीमेंट सिर्फ पांच का हो और फिर एकदम से आप एक दस का जंप मारो फिर बीच में और फाइव के इंक्रीमेंट्स कर दो फिर एक पॉइंट के बाद एक दस का जंप मार दो तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू बट एच यूज करके अपने ग्रेज डिफाइन करना इज अ मच सेफर वे एज कंपेयर टू यू you नो know, आप बोलो कि मैं हाथ से चेक कर लूँ काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई अगर हमारे को ग्रे ही चाहिए तो मैं सिंपली ब्लैक और डुप्लीकेट करके इसको फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट ओपैसिटी पे कर दूँ ऐसे कर दूँ बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट इस प्रॉब इस कन्वेंशन में इस टेक्निक में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी क्यों आएगी दैट्स अ वेरी डीप डिस्कशन बट पॉइंट ये है कि ओपैसिटीज़ को ऊपर नीचे मत करना प्लीज़ डिफाइन योर सॉलिड ग्रेज अब ग्रेस को नेम करने के भी बहुत तरीके होते हैं कुछ लोग न्यूट्रल 100, 200, 300 ऐसे भी करते हैं कुछ लोग पूरे पैलेट को बेस मिड कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से स्प्लिट कर देते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको ऐसी रिसोर्सेस दूंगा जहां पे आप बहुत सारे सक्सेसफुल डिजाइन सिस्टम्स को देख सकते हो पढ़ सकते हो समझ सकते हो उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो तो वहां से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि लोग अपने कलर्स कैसे नेम करते हैं एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट ब्लैक एंड व्हाइट ये हमने काफ़ी बारी बात कर ली है लॉजिकल वे ऑफ डिसाइडिंग योर ग्रे हेक्स हमने लूमिनन से देख लिया हाउ टू आइडेंटिफाई अ ग्रे एंड टाइप देम क्विकली वो हमने आईपैड पर सीख लिया था अब आती है बात सिमेंटिक कलर्स के ऊपर सिमेंटिक कलर्स हो गए सक्सेस कलर एरर कलर्स और इसमें ट्रिकी बात बस ये होती है कि अगर आपका एक रेड बटन है रेड कर लो मैंने वापस आर में आते हो मैंने कोई रैंडम कलर रेड रेड चूज कर लिया और मैं थोड़ा सा मिनिमल हूँ तो मैंने बोला कि यू you नो know, मुझे ऐसा ही लाइट थीम अच्छा लगता है तो मैंने लिखा कैंसल स्ट्रीम ठीक है इन दोनों को सिलेक्ट करा अब मेरे पास एक प्लगन है जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट ये आपको फिगमा कम्युनिटी से फ्री में मिल जाएगा अगर मैं कैंसल स्ट्रीम का कॉन्ट्रास्ट चेक करूँ तो ये फेल कर रहा है फॉर नॉर्मल टेक्स्ट ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये मिनिमम फोर पॉइंट फाइव इस टू वन होना ही होना चाहिए तो अगर मैं ये कलर पकड़ू और एच एस एल में जाऊं तो मुझे पता है कि यार ह्यू तो मुझे बढ़ाना नहीं ओ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग वो जो आप पूरी डिस्क देख रहे थे ना ये वो पूरी डिस्क एक लीनियर लाइन line में कन्वर्ट हुई हुई है तो अगर मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ एंड पे भी ले जाऊंगा ना थ्री सिक्सटी डिग्रीज के ह्यू पर तब भी मेरा कलर सेम ही रहेगा अब ये मेरा सैचुरेशन कंपोनेंट है अगर मैं सैचुरेशन कंपोनेंट को बढ़ाता हो तो जो मेरा ये कलर पिकर है नोटिस करो वो वाई एक्सिस में टूवर्ड्स ब्राइट रेड जा रहा है और जब मैं उसको कम कर रहा हूँ तो वो टूवर्ड्स ग्रे जा रहा है एट जीरो परसेंट सैचुरेशन दैट कलर बिकम्स ग्रे यही अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ और अपने लाइटनेस पे जाऊँ और अगर मैं लाइटनेस को सबसे ज़्यादा ले जाऊँ तो मैं टूवर्ड्स वाइट जा रहा हूँ अगर मैं लाइटनेस को बहुत घटा दूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैक जा रहा हूँ मेरा जो नज अमाउंट है वो भी टेन है ये जो आप मैं शिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहा हूँ मेरा नज अमाउंट टेन है आप चाहो तो इस क्विक मेन्यू से जाके अपना नज अमाउंट चेंज कर सकते हो लोग आठ भी रखते हैं कुछ भी कर सकते हो ओ वन मोर थिंग अभी जो आपने कलर पैलेट का नज अमाउंट देखा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नज तो यहां पर जब मैं शिफ्ट एट करता हूं तो यहां पे आपको एट एट का गैप दिखेगा जबकि इधर इट्स अ नज अमाउंट ऑफ टेन I'm sorry for confusing you guys. You know, there's just too much data to comprehend, but you get the point. You'll get the gist of it once you do some hands-on. ये तो हमारा alpha इसके साथ तो कभी खेलना ही नहीं है, 100 पर ही रखना है. But basically, I think इस point पे अगर मैं इस text को check करूं और यहाँ पर जाऊं और I think थोड़ा और बढ़ा सकते हैं. अब check करते हैं. अभी भी 4.02 है. अगर मैं यहाँ जाऊं, you know थोड़ा सा और ब्राइट रेड तो ये 4.94 हो गया है। तो ये एक्चुअली 4.5 से बहुत ऊपर है इसीलिए आप देखो बड़ा ही शार्प सा रेड सा कलर आपको दिख रहा है बट बेसिकली आपको इस तरीके से टेस्टिंग करनी पड़ेगी अपने दोनों सक्सेस कलर्स के लिए और अपने एरर कलर्स के लिए और अपने वार्निंग कलर्स के लिए भी और ये भी देखना पड़ेगा कि आप वो लाइट सर्फेस पे दिख रहे हैं ठीक से या नहीं दिख रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये कि वो टेक्स्ट लेजिबल होना चाहिए तो आपको टेक्स्ट का एक्सेसिबिलिटी देखना है ऑन टॉप ऑफ द फिल ऑफ योर बटन अब नेमिंग योर कलर स्टाइल्स ऑन फिग्मा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट कर लो कि मैंने यहां पर ये सारे कलर्स बना लिए अब अब मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल रखने वाला हूं ठीक है मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं ज़रा लेयर्स पैनल पे देखते हैं क्या हो रहा है नोटिस करना कि ये बड़े ही रैंडम ऑर्डर में है इनके नाम भी बड़े अजीब से हैं यू नो और कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं लेयर्स पैनल में चीज़ों को री कर दूँ तो राइट साइड पर स्पेशली किसी भी चीज़ पर फर्क नहीं पड़ता है बट अगर मैं बैच रीनेमिंग करता हूं तो मेरे जो लेयर्स पैनल है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जो स्पेशल ओरिएंटेशन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है मैंने मीडियम पे एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे तो उसमें मैंने पूरा समझाया है कि आप बैच रीनेमिंग और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हो बट बिफोर बैच रीनेमिंग एक प्लग इन है सॉर्टर उस सॉर्टर में एक ऑप्शन होती है सॉर्ट पोजिशन जब मैं सॉर्ट पोजिशन कर दूंगा तो अब 100 जो मेरी लेफ्ट मोस्ट लेयर है वो लेयर्स पैनल में सबसे ऊपर होगी और जो मेरी राइट मोस्ट लेयर थी वो लेयर्स पैनल में सबसे नीचे होगी अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा यहाँ जाऊँगा रीनेम सिलेक्शन पे और लिख देता हूँ यू नो न्यूट्रल स्लैश ग्रे डैश नंबर असेंडिंग ये डॉलर एन एन का मतलब है कि अब ये हर नंबर हर ग्रे डैश के आगे एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर जोड़ देगा तो ये जो कन्वेंशन होती है बैच रीनेमिंग की आई वुड रेकमेंड कि आप इसको जरूर डेप्थ में पढ़ो फिग्मा ने अपने जो गाइड्स होते हैं फिग्मा ने अपनी वेबसाइट पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके में यह समझाया इस, इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं या रेगेक्स कहते हैं अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आपने ये देखे होंगे जावा में तो अगर मैं इसको रीनेम करूँ तो फटाफट से मेरे सारे के सारे कलर्स यहाँ पर एक साथ नेम हो गए हैं सब कलर्स में स्लैश कन्वेंशन है जैसी मैं कमांड स्लैश करता हूं एक प्लग है स्टाइलर के नाम से इफ आई आई क्लिक ऑन स्टाइलर सर्च शुरू से करते हैं मैं स्टाइलर सर्च कर और यहाँ पर और एक ऑप्शन है जेनरेट स्टाइल्स जैसी मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली जो भी मेरा लेयर्स नेम था उस हिसाब से मेरे स्टाइल्स एकदम से डिक्लेयर हो जाएंगे तो आपको एक एक करके उनको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा अब अगर मैं राइट right साइड पे देखूं तो ये सारे ग्रेज एक बकेट में आ गए जिसका नाम है न्यूट्रल बिकॉज मैंने उनको इस तरीके से नेम किया था मैंने न्यूट्रल स्लैश ग्रे वन ग्रे टू ग्रे थ्री इस तरीके से उनको डिक्लेयर किया था तो जरा हम वापस आ जाते हैं इंटरफेस हाइट कर देते हैं तो स्लैश कन्वेंशन हेल्प्स यू नो नेमिंग दम प्रॉपरली यूजिंग द स्टाइलर प्लग इन एंड ऑर्गेनाइजिंग योर कलर्स ऑन फिगमा सो जो भी आप कलर्स डिक्लेयर करोगे मेक श्योर दैट देर इन अ फाइल से फाउंडेशन फाइल एंड वहाँ से उस लाइब्रेरी को आप पब्लिश करो और जितनी भी बाकी फाइल्स है वहाँ पे इस फाउंडेशन फाइल को इनेबल करो तो ऑप्शन थ्री से मेरी ये लाइब्रेरी खुल जाए कि इसको मुझे पब्लिश करना है और बाकी फाइल्स में इस तरीके से मुझे उस सेम फाइल को इनेबल करना है बिकॉज दैट इज द राइट वे टू डू थिंग्स नाओ तीन ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको बहुत बहुत काम आएगी टू जिस रीड अबाउट डिजाइन सिस्टम क्योंकि अभी आपने सिर्फ कलर का थोड़ा सा सीखा है तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप अलग अलग डिजाइन सिस्टम्स खोलो और सिर्फ उनके कलर सिस्टम्स को पढ़ना शुरू करो तो दस डिजाइन सिस्टम रेपो डॉट कॉम डिजाइन सिस्टम डॉट कॉम इनफैक्ट डिजाइन सिस्टम फॉर फिग्मा डॉट कॉम जहां पर बेसिकली आपको सारे पॉपुलर डिजाइन सिस्टम मिलेंगे ऑफ ऑल दीज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंपनीज एंड एक्चुअली यू कैन एक्सप्लोर देयर फिगमा फाइल्स आप उनकी फिगमा फाइल्स देख सकते हो एंड यू कैन लर्न अलॉट फ्रॉम आपको समझ आएगा कि यू you नो know, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करती है बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे राइट आपको फ्री में ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है आप कितने लोगों से सीख सकते हो ऑन योर ओन देर इज एफिन नो बार फॉर दैट तो इस सब के अलावा मैंने ग्राफी के ऊपर नए सेशंस डाले हैं सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अपलोडिंग सम रियली रियली कूल सेशंस ऑन ग्राफी बाई अन अकेडमी ये थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के ऊपर है ऐसा नहीं कि बहुत यूएक्स बेस्ड है बट उन चीज़ों के ऊपर है जो बहुत ही सटल है बट थोड़ा सा उनमें एनर्जी ज़्यादा लगती है तो जैसे कि जस्ट द स्किल ऑफ लर्निंग फास्ट आप चीज़ें जल्दी कैसे सीख सकते हो और फटाफट से आप उन्हें मोनिटाइज कैसे कर सकते हो उन, उनसे कमा कैसे सकते हो एक सेशन में नोशन के ऊपर कराया कि मैं ये सारी चीज़ें जो भी मैं सीखता हूँ उनको मैं नोशन पे डॉक्यूमेंट कैसे करता हूँ और मैंने पूरा इन डिटेल अपना नोशन दिखाया लाइक मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दिया क्योंकि बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी था उसमें बट ओवरऑल मैंने बहुत इन डिटेल जाके लोगों को बताया है उस सेशन में कि मैं एक्चुअली मैं नोशन पे काम कैसे करता हूँ और फिर एक और सेशन है ऑन हाउ टू गेट अ जॉब हाउ टू गेट अ डिजाइन जॉब यू नो दैट पेज यू वेल कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो कैसे अपनी आप परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकते हो कैसे आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हो तो इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बट लेट्स ज समराइज हमने सीखा कि आर का मतलब क्या होता है एच का मतलब क्या होता है एच एस का मतलब क्या होता है अलग अलग ग्रेस के पीछे लॉजिक क्या है हम कैसे ग्रेस डिफाइन कर सकते हैं सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया देन एक्सेसिबिलिटी के बारे में सीखा सिमेंटिक कलर्स की एक्सेसिबिलिटी कैसे चेक हो सकती है एंड देन नेमिंग डिक्लेरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फाइल्स कि आप कैसे अपने फाइल्स को फटाफट से आप स्टाइल्स डिक्लेयर करो एंड जस्ट गेट डन इट तो आपका टाइम बहुत बच जाता है सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन

I would feel it's not working. So if the content is working, I want you guys to just let me know. And even YouTube helps me when you, you know, show support on all these videos. So yes, uh, I hope you guys are having a great time. Take care and keep designing awesome stuff, guys. See you later. Hello. Bro, ye jobs? Ke liye resume kaise uh, madad, most log free templates edit karke bana Toh, tune tha, resume? अभी मुझे तो मेरे रेज्यूमे के चक्कर में जॉब नहीं मिल रही क्या ऐसे क्यों मैंने तीन चार इंटरव्यूज दिए और सबने एक ही बात बोली कि बेटा आप पहले फिल्म मेकर थे फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए फिर आप म्यूजिक और रैप में घुस गए अब आप कह रहे हो मुझे यूएक्स डिजाइनर बनना है है वो तो है भाई तू हर महीने अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता अरे बट इस बार फाइनल है मुझे फिल्म मेकिंग पसंद तो बहुत है बट अभी मेरे लिए यूएक्स एक बेटर ऑप्शन है तो तूने लिखा क्या क्या था अपने मैं तो सब लिखा है स्कूल की अचीवमेंट चैनल मेरे पोस्टर, सब कुछ हाँ, तो मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम है मतलब अरे मेरी शोम वैसे बात हुई थी मुझे भी यही लग रहा है। आज मैं बैठ के थोड़ी और रिसर्च करूंगा क्योंकि ज्यादा चीजें लिखने से फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है रिक्रूटर भी अपनी वो एक स्किल ढूंढना चाह रहा है यही गलती हो रही है मुझे फिगर आउट करना होगा कि मेरी कोर स्किल क्या है आई कांट जस्ट से कि मैं सब करता हूँ मुझे अब एक या दो चीज पिक करनी होगी और फिर उस हिसाब से अपना रिज्यूम में टेलर करना पड़ेगा हाँ चल अच्छा है तेरा कॉल आ गया शाम को पिक्चर देखने चलना है अबे पागल है क्या यार रिज्यूमे का पता नहीं क्या करना है और पिक्चर देखने चलो हाँ चल चल ठीक है चल ओके बाय ओके ओके